नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बाबू हाथ पकड़ा है तो किनारे तक पहुंचा देना, मझदार में नहीं छोड़ना। लाजो आपका यह हाथ चिता की आग तक नहीं छूटेंगे, मुझे यकीन है मेरे डैडी मेरी बात नहीं टालेंगे। सच बाबू? हाँ लाजो। भाई से पूछिएगा। खैरियत तो है? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में, सुभाष का हाथ लाजो के हाथ में। पहाड़ों की रानी लाजो। लाजो यहाँ भी आ पहुंची? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी, वो तो हर महफिल में होती है। ला अपना हाथ। क्यों भाई बिरबल, क्या बात हो रही है? सुभाष आएगा वही बताएगा। क्या पूछ रहे थे? अरे भाई वही लड़की वड़की का हाथ पकड़ने की बात हो रही थी। खैरियत तो है? हाँ हाँ, कल डैडी रीता और उसके पिताजी आ रहे हैं। डैडी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटे कहो। बात यह है। रुक क्यों गए, बोलो ना। आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपसे खास तोहफा लूंगा। तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का ही तोहफा देंगे। ऐसा तोहफा जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अंकल सुभाष से आपने ये तो पूछा ही नहीं कि इसको तोहफे में क्या चाहिए। बेटे के दिल की बात अगर बाप नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा अनिल। अंकल इसको तोहफे में बीवी चाहिए। यू शट अप। देखो तुम नीचे जाकर पार्टी का इंतजाम करो। लाजो लाजो। आगे पिताजी? हाँ और मैंने बात भी कर ली। मान गए वो? अरे क्यों नहीं मानेंगे मेरे डैडी, चल जल्दी। कहाँ? आज मेरे जन्मदिन पे डैडी बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और आज मैं मांग लूंगा तुझे उनसे। मगर मैं इन कपड़ों में? इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। चल आज मैं अपने हाथ से सजा के ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को। चल हट पागल। बहुत थैंक यू, आज तो मजा आ गया। पर दीवान साहब सुभाष नजर नहीं आ रहा। अरे सुभाष का? सुभाष अपनी होने वाली दुल्हन के साथ ही होगा। हेलो रीता। हाय सुभाष। अंकल मैं ना कहता था सुभाष अपनी होने वाली दुल्हन के साथ होगा। मेरी और सुभाष की पसंद बिल्कुल एक जैसी, खूबसूरत जोड़ी। सुभाष इधर आओ। डैडी ये है लाजो। अरे तू लाजो, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। जीत रहो जीत रहो। डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा मिलेगा। डैडी आज हम अपने यार सुभाष को जन्मदिन का तोहफा एक गीत की शक्ल में देंगे और वो गीत गाएंगी पहाड़ों की रानी लाजो। इससे पहले के लाजो गाए मैं सुभाष को वो तोहफा देना चाहता हूँ जो उसने मुझसे मांगा। इस तोहफे को पाकर सुभाष के जीवन में नई उमंगें भर जाएंगी और इसकी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहेगी। इधर आओ सुभाष। तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रीटा से होगी। लाजो बेटी गाओ और आज इस महफिल को खुशियों से भर दो। Come on, लाजो गाओ, please गाओ। लाजो चले जाओ बाबू। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने झूठ को सच समझ लिया? हाँ बाबू मैंने झूठ को सच समझा। पानी में चांद की छाया देखकर मैंने ये समझा कि चांद मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन जब उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला कि वो मेरी नजर का धोखा था, चांद लाखों मील दूर था। मेरी बात तो सुनो, मुझे गलत मत समझो। तुम्हें गलत समझना, भगवान को गलत समझना, गलती मेरी थी। मैंने डूबते हुए सूरज की लाली को देखकर ये समझा कि एक खूबसूरत दिन निकलने वाला है,
दरअसल वो एक भयानक रात आने वाली थी। इसी भयानक रात को सुनहरी सुबह में बदलने आया हूँ। ये सब झूठी तसल्लियाँ है बाबू, जाओ चले जाओ। रीटा इंतजार कर रही होगी, मेरी खुशियाँ तो छीन ली, अब उसकी खुशियाँ तो मत छीनो। लाजो। हाँ बाबू, कहानी खत्म हो गई, तुम्हारी ये दिल लगी मेरी जान ले लेगी। लाजो। महल और झोपड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है बाबू। इसी फर्क को मिटाने आया हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। बाबू। लाजो मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के आई हो, खिजा नहीं बनने दूंगा, आओ मेरे साथ। भगवान, मैं तुम्हें साक्षी मानकर लाजो को अपना जीवन साथी बनाता हूँ, और जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये नोट किस लिए मेम साहब? अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। मैं समझा नहीं मेम साहब। तुम लाजो से प्यार करते हो और उसे हासिल करना चाहते हो। कामिनी को सुभाष और इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अक्ल के साथ साथ ये बंदूक भी मेरे पास है, हम हर हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, आपको सुभाष जरूर मिलेगा और तुम्हें लाजो और उसके साथ साथ रुपए भी। यस बेबी। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? नहीं रीटा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है। Come out with it, कहो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What? इसलिए कि मैं शादी कर चुका हूँ। किससे? लाजो से। लाजो से? That dirty girl? रीटा, लाजो के बारे में अगर ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। Oh, you cheat? धोखेबाज? रीटा, अब ये शादी जरूर होगी। ये शादी नहीं होगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी जिंदगी का। To hell with your life. कान खोल कर सुन लो रीटा, अगर अपने डैडी से कहकर ये शादी ना रुकवाई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मेरे और लाजो के दरमियान जो भी आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। That's not a joke, stupid. रीटा, रीटा, किसने किया ये सब? रीटा, किसने किया बोलो। अरे क्या हुआ इसे? इसे क्या हुआ? सुभाष, सुभाष, इसे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम, इसे किसने गोली मार दी? अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? जाओ डॉक्टर को फोन करो, पुलिस को बुलाओ। बेटी, तुझे क्या हुआ? बेटी होश में आओ, होश में आओ बेटी, बेटे होश में आओ। रीटा, बेटी, बेटी बताओ। Thank you.
लाइए मेरा इनाम मेम साहब। इनाम? तुमने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वो कैसे? रीटा का खून करके। अरे मैंने तो आपका रास्ता साफ किया है। लेकिन खून का इल्जाम तो सुभाष के सिर पर है। ये तो और अच्छा हुआ, अब मुझे मेरी लाजो मिल जाएगी। हमारी उम्मीदें तो बर्बाद हो गई। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपना काम पूरा किया है, आप अपना काम पूरा कीजिए। लाइए मेरा रुपया। रुपया? तुमको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो जल्दी कीजिए, मुझे फांसी लग जाएगी, लेकिन बचेंगी आप भी नहीं मेम साहब। चलो इकट्ठे चलते हैं पुलिस थाने। ठहरो बंसी, ये लो रुपए, और समझ लो कि आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझे? समझ गया। ए नथु, क्या सुन रहा था तू? मैंने ये नहीं सुना कि आपने रीटा बेबी को मार दिया। अगर ये बात फिर से तेरे मुंह से बाहर निकली तो गोली अंदर होगी, समझा? समझ गया महाराज, बिल्कुल समझ गया। ना बात बाहर निकलेगी ना गोली अंदर जाएगी महाराज। मैं आपके पांव पड़ता हूँ जी। बाप रे, ये सारी बंदूक भी बहुत खतरनाक चीज है, बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देती है। तुम अभिषेक की बात कर रहे हो दीनदयाल? मुझे यकीन है ये खून सुभाष ने किया है। मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था, वो भी उसने छीन लिया। दीनदयाल, इंसान हसद और गुस्से में क्या नहीं कर सकता। वो हमेशा रीता से हारता था, इस साल भी पीछे था। हार के डर से उसने उसे मार डाला। नहीं विक्रम भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए सुभाष इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। ना करने का सवाल ही नहीं है। अब उसने कर भी दिया और करके भाग भी गया। हर सबूत पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि सुभाष खूनी है। याद रखना दीनदयाल, जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे फांसी पर चढ़वा कर ही दम लूंगा। बस स्टॉप और हर उस रास्ते पर नाकाबंदी कर दी जाए जहां से मुजरिम सुभाष भागने की कोशिश कर सकता है। दीवान साहब के बंगले पर कड़ी नजर रखी जाए, हो सकता है वो वहां आए। और सोलन कालका वगैरह इतला कर दी जाए, हर हालत में मुजरिम गिरफ्तार होना ही चाहिए। सुभाष के साथियों से पूछताछ की जाए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। मुझे यकीन है कि सुभाष कातिल नहीं है। तो फिर रीता ने उसका नाम क्यों लिया? यही तो राज है जिसे खोलने के लिए हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए। लेकिन असली कातिल तक हम पहुंच कैसे सकते हैं? ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं जान की बाजी लगाकर ढूंढ लूंगा कि असली कातिल कौन है। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है। ये काम आप पुलिस पे छोड़ दे तो ठीक है। जी पुलिस तो करेगी, लेकिन मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूंगा, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरा यार बेगुनाह है। आप सबकी नजरों में, कानून की नजर में वो कातिल है, अगर मिल जाए तो। उसका मिलना कौन सी मुश्किल बात है इंस्पेक्टर साहब, वो तो लाचो के घर में होगा। थैंक यू कमन हवलदार। तुम बिल्कुल गधे हो, हर पक बकवास करते हो। यू आर अ ब्लडी इडियट। ओ शाजा, देवी माँ की कसम लाजो, ये खून मैंने नहीं किया। तो रीता ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। राजा, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम वहाँ से भागे क्यों? पुलिस से क्यों छुप रहे हो? चलो थाने में चलकर साफ साफ कह दो कि खून मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस नहीं मानेगी लाजो, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता मुझे छुप कर ही रहना पड़ेगा। लाजो, लाजो दरवाजा खोलो। पुलिस, राजा, राजा, तुम पीछे की छत के रास्ते से भाग जाओ, मैं इनको देखती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लाजो दरवाजा खोलो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तोड़ देंगे। अब पुलिस के आदमी है। सुभाष कहाँ है? महलों में रहने वालों का यहाँ झोपड़ी में क्या काम है बाबू? जनाब मुजरिम भाग रहा हो। Thank you.
Thank you.